हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो हम बात करेंगे विशेष इन्फो टेक्निक्स शेयर के बारे में। 0.57 करेंट प्राइस है, 6.56% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मैंने आपको बोला था शेयर में गिरावट अभी हमें और देखने को मिल सकती है, तो फ्रेंड्स वही हुआ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज एंड में मैं आपको नेक्स्ट टारगेट दूंगी एंड एक अपडेट आया है फ्रेंड्स, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 0.19। तो फ्रेंड्स अभी एक मिड रेंज में मूव कर रहा है। बात करें तो 1 रुपीज से भी नीचे चला गया है शेयर। 20% का सर्किट है इसमें फॉर द अपर एंड द लोअर बैंड। टर्नओवर है सिर्फ 1 करोड़ का। मार्केट कैप है 215 करोड़ का। जानेंगे फंडामेंटल्स कैसे हैं शेयर के, और अगर आप इस शेयर में फंसे हैं तो आपको नेक्स्ट टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं, और आपको इस शेयर में बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेनी चाहिए। EPS नेगेटिव है, PE नेगेटिव है, PB पॉजिटिव है, ROE नेगेटिव है। फ्रेंड्स फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए ये शेयर आपको अभी तो अवॉइड ही करना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करता 1 रुपीज से भी नीचे मिलने वाला एक पेनी स्टॉक है। फ्रेंड्स इनकी डेप्ट को लेकर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट 7 अक्टूबर को आई थी, उसमें आपको मैंने बताया था इनके ऊपर 29 करोड़ का डेप्ट है, जिसे कंपनी मंथली हर मंथ इंस्टॉलमेंट दे रही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो 29 करोड़ का डेप्ट है उसको मंथली इंस्टॉलमेंट दे रही है कंपनी अपना डेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट की है। अब नेक्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रेंड्स इसमें आएगी क्या? सो लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट की है। दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स, इसमें कंप्लाइंस सर्टिफिकेट का एक नोटिफिकेशन है। सो फ्रेंड्स ये मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। 2018 फॉर द क्वार्टर एंडेड September 30, 2022 एज रिसीव फ्रॉम MAS सर्विसेज लिमिटेड द रजिस्टर्ड एंड द शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफ द कंपनी। सो फ्रेंड ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बट मेन जो ये है कि 29 करोड़ का जो डेप्ट है कंपनी पे कर रही है, पर अभी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है तो फ्रेंड्स इसको पे करने में टाइम लगेगा। एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जून क्वार्टर में 1.14 करोड़ का लॉस आया था, मार्च में 1.24 करोड़ का लॉस था एनुअली भी। तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर होल्डिंग ओनली 1.95% है, जो कि एक ना के बराबर प्रोमोटर होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग 98% है। नेक्स्ट टारगेट फ्रेंड्स आप इसमें 0.55 का लेके चलिए लोअर साइड में, ये शेयर और करेक्शन में भी जा सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है, डेफिनेटली क्वार्टर 2 के रिजल्ट से आएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।